हाय गाइस, मैं शांतनु, आप देख रहे हैं कैलशन स्टूडियो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप iOS 15 का स्टेटस बार और नैप बार को अनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 12 ऑन 5 में अगर आपको iOS 15 का स्टेटस बार, नैप बार और फॉन्ट को अनेबल करना, तो ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपका iOS 15 का स्टेटस बार देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपका पूरा टॉगल्स जो है चेंज हो चुका है। और अगर अभी आप देखें तो इसमें जो है आपको iOS का फॉन्ट देखने को मिलता है, जिससे कि आपका डिवाइस काफी न्यू टाइप का देखने को लग सकता है, जो कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप देखें तो आपको जो है काफी क्लीन लुक देखने को मिल रहा है, काफी डिफरेंट लुक देखने को मिल रहा है आपका डिवाइस में। और अगर आप देखिएगा इसका हाईलाइटेड फॉन्ट, मतलब कि मेन फॉन्ट, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं सेटिंग्स काफी डिफरेंट टाइप का देखने को मिल रहा है, जो कि थीम्स में भी iOS का फॉन्ट रहता है बट ऐसा चेंजेस नहीं देखने को मिलता। शायद ये दूसरा iOS का फॉन्ट है जो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। अबाउट फोन में जाएगा तो उसमें भी जो आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप जाएगा इसका एडिशनल सेटिंग में तो उसमें भी जो है आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको फॉन्ट अप्लाई नहीं करना है, बस आपको मैनुअली मतलब कि थीम अप्लाई नहीं करना, फॉन्ट ट्राई करना, तो ये ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका नेविगेशन बार, आपका स्टेटस बार और ओवरऑल लुक जो है काफी चेंज होगी। और अगर आप देखिए तो आपका डिफॉल्ट जो नेविगेशन बार है उससे आपको थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है और बीच में देखने को मिलता है, जो कि आपको डिफॉल्ट नेविगेशन बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो वीडियो मतलब थोड़ा भी मिस मत कीजिए। रूट हो तो भी अनेबल कर सकते हैं, विदाउट रूट भी आप अनेबल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जो कि विदाउट रूट आपको पता है MTZ जो कि थर्ड पार्टी थीम्स होता है वो आपका परमानेंटली नहीं रहता। और अगर आपको रूट से अनेबल करना है तो आपको जो है सिंपली मैजिक्स मॉड्यूल को फ्लैश करना, तो आपका जो डिवाइस मतलब अनेबल हो जाएगा, डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपका अगर एंड्रॉयड 10 या 9 है तो आपको फर्स्ट वाला MTZ फाइल या नहीं तो आपको फर्स्ट वाला ZIP फाइल फ्लैश करना है। और अगर आपका होल पंच, मतलब कि अगर आपका साइड होल है मतलब कि कैमरा, तो उसके लिए आपको होल वाला जो वो फ्लैश या मतलब आपको MTZ इंस्टॉल करना। और अगर आपका लास्ट मतलब कि MIUI 12 on 5 है तो आपको जो लास्ट वाला करना होगा, तो लास्ट वाले करके देखिए। तो आपको जो कुछ ऐसा अगर आप MTZ फ्लैश कीजिए तो कुछ आपको iOS स्टेटस बार देखने को मिल सकता है, जो कि देख सकते हैं दिस वर्जन कंटेंट इंपॉर्टेंट इनोवेशन एंड एडिट्स इट्स रिकमेंडेड फॉर इंस्टॉलिंग फॉर ऑल MIUI यूजर्स विद मतलब यूजर्स विद MIUI 12। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मतलब थोड़ा सा फन हो जाता है। तो अगर आपको MTZ इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको एक ऐप चाहिए, जो कि आपको पता ही है Xiaomi थीम एडिटर, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ओपन कीजिए। फिर आपको जो है आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला MTZ फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मैजिक्स मैनेजर से कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली मॉड्यूल करके फ्लैश कर सकते हैं। तो सिंपली आप जाइए, ब्राउज कीजिए, ब्राउज करने के बाद आपका iOS SSSB 1.7 होगा, उसको बस ओके कर दीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ आलतू फालतू मतलब नई ड्रीम्स 11 का ऐड देखने को मिल जाएगा। फिर आपको जो है नेक्स्ट करना है, फिर आपको फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आपको जो लोडिंग होगा वो भी ऐड होगा, तो वो भी आपको पता ही, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं आप, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो है थीम ऐप में वो आ जाएगा, और उसके बाद आपको अप्लाई मी में टैप करना, जो अप्लाई मी थीम देखने को मिल रहा है उसमें आपको जाके अप्लाई करना, ना कि नॉर्मल वाला जो कि आपको iOS SB देखने को मिल रहा है। आपको अप्लाई मी वाला में टैप करना तो आपका अप्लाई हो जाएगा। और फिर आपको जो है स्टेटस बार, नैप बार, फॉन्ट मिल जाएगा iOS 15 का। अगर आपको चाहिए तो ये ट्राई करके देखिए, आपको नहीं तो मॉड्यूल आप फ्लैश कर सकते हैं, जो कि परमानेंट होगा, बाद में आप उसको रिफ्लैश मतलब कि बाद में हटा भी सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो जाइए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे और ऐसा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन को ऑल में रख सकते हैं। वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। वीडियोस को शेयर करने के बाद कुछ भी सजेशन रिकमेंडेशन है तो नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। और बस मिलते हैं कल, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों को मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे को सेटिस्फैक्शन। तो जाइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल।